हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरु जी में। बच्चों, अब तक हम सिक्स और सेवन्थ का क्लास का क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं क्लास एट्थ का, बच्चों यानी कि क्लास एट्थ के बच्चों के लिए है। बच्चों, जो पैटर्न है वो लगभग सिक्स सेवन्थ एट्थ का सेम है, लेकिन फिर भी क्लास एट्थ के बच्चों के लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, क्योंकि अगर उनके छोटे भाई बहन होंगे तो उन्हें पता चल चुका होगा अब तक, लेकिन ज़रा देख लेते वापस से। तो पूरा पेपर तीन सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए, बी और सी में। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन है जिसके 12 पार्ट हैं और हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है, यानी ये 12 नंबर का सेक्शन है। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें आपके राइट रॉन्ग यानी कि ट्रू फॉल्स जिसे कहते हैं वो, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड या डिफाइन, इस तरह के पूरे पूरे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। अब अगर बात करें सेक्शन बी की, तो बच्चों सेक्शन बी आपको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक है इसमें दो मार्क्स के क्वेश्चन वाला पार्ट और एक है इसमें तीन मार्क्स वाले क्वेश्चनों का पार्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, ये दो मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं बच्चों, यानी कि छः क्वेश्चन दो मार्क्स के हैं। और फिर इसमें 8, 9, 10 और 11 बच्चों, ये आपके तीन मार्क्स वाले चार क्वेश्चन हैं बच्चों, ठीक है। ये आपका पूरा पूरा पार्ट है 24 मार्क्स का। फिर जब हम बात करते हैं सी सेक्शन की बच्चों, तो इसमें कितने क्वेश्चन हैं, इसमें चार क्वेश्चन हैं आपके, 12, 13, 14 और 15। जो ये क्वेश्चंस हैं वो छः मार्क्स का एक क्वेश्चन है बच्चों, चार क्वेश्चन है, इस तरीके से ये वाला भी आपका हो गया 24 मार्क्स का, यानी कि पूरा पेपर आपका हो गया 60 मार्क्स का। तो चलिए बात कर लेते हैं बच्चों किस चीज़ की, क्लास एट के साइंस के मिड टर्म के प्रैक्टिस पेपर की, जो कि DOE ने जारी किया है और ये 2022-23 के लिए जारी किया गया सैम्पल पेपर है बच्चों, या प्रैक्टिस पेपर है। आज हम इसमें बात करने वाले हैं सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं बच्चों पहले, और सेक्शन ए में ज़रा देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों, हैजा एक डैश के कारण होता है, कोलेरा इज कॉस्ड बाई, तो ये बच्चों किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अच्छा, अगले क्वेश्चन में क्या देखने को मिल रहा है आपको, दो में से कोई एक क्वेश्चन करना है, तो पहले वाला देखते हैं। पहले वाला क्या है बच्चों, शकरा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है, सही या गलत बताना है इसमें आपको। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इंटू अल्कोहल इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है या नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, कि जब जो सूक्ष्म जीव है उसे नाइट्रोजन को जमीन में फिक्स कर दे, एक तरह से फिक्स कर दे, नाइट्रोजन को उसके अंदर जमीन के अंदर डाल दे, वो होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन जब शकरा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन या किण्वन प्रक्रिया कहलाती है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया, इसका आंसर है गलत, ठीक है। अब इसका दूसरा भाग पढ़ते हैं बच्चों, मलेरिया पैदा करने वाला प्रोटोजोआ का वाहक कौन सा कीट है, विच इज इंसेक्ट इज द कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन, तो बच्चों हम सभी को पता है कि ये किससे होता है, मच्छर से होता है, लेकिन उसका नाम पूरा हमें लिखना होता है, तो ये कौन सा मच्छर है बच्चों, फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो, यानी मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है बच्चों। चलिए अगला भाग देखते हैं इसका। अब ये वाला प्रश्न भी आपका दो भाग में विभाजित है, पहले पहला भाग देखते हैं बच्चों तीसरे का, यदि गति के विपरीत बल लगाया जाए तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इफ द फोर्स इज अप्लाइड अपोजिट टू द मोशन व्हाट विल हैपन टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो बच्चों जब हम सभी को पता है हमने घर्षण वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें क्या होता है कि गति के अगेंस्ट या गति के विरुद्ध जब कार्य होता है तो क्या होता है,
घर्षण बल के कारण उसका उसकी जो गति है वस्तु की गति वो कम हो जाती है। तो क्या होगा बच्चों, गति घर्षण बल के कारण कम हो जाएगी, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है बच्चों, इसका आंसर ये है। फिर दूसरा वाक्य है, वातावरण को परिभाषित कीजिए। ये क्या कहलाता है बच्चों कि एटमॉस्फेयर को आपको क्या करना है, डिफाइन एटमॉस्फेयर। तो एनवेलप ऑफ एयर विच प्रेजेंट अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेयर। हमारे आसपास वायु का घेरा वातावरण या वायुमंडल कहलाता है बच्चों। चलिए अब अगला भाग देखते हैं इसका। इसमें भी आपको दो चॉइस मिलेगी बच्चों, यानी कि पहले क्वेश्चन का चौथा भाग। इसमें पहला देखते हैं, उस बल का नाम बताएं जिसके कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेम द फोर्स ड्यू टू विच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो बच्चों ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। अब क्या अगला, वस्तुओं के भार के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है, विच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये होता है बच्चों फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण यानी गुरुत्वीय बल के कारण। ठीक है बच्चों, चलिए अगला भाग है आपका इसका पांचवा भाग। सोनरस धातुओं का वह गुण है जिससे वह डैश उत्पन्न करते हैं। सोनरस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे प्रोड्यूस क्या, ध्वनि या साउंड। ठीक है बच्चों, ये उसका गुण है। फिर है छठा भाग इसका, किन्हीं दो धातुओं के नाम लिखिए जो विद्युत की कुचालक है। नेम एनी टू मेटल्स विच आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पहले में आप लिख सकते हैं लेड, जिसे हम शीशा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा है मरकरी, जिसे हम पारा कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर है सातवां भाग, कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करता है। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये बच्चों क्या है, गलत है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा धातु धातु वाला चैप्टर था, कि कॉपर जो है क्या है, क्रियाशीलता के आधार पे कम है, तो जिंक को विस्थापित वो नहीं कर पाएगा, यानी जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। चलिए अब इसका आठवां भाग देखते हैं। आठवां भाग क्या कहता है बच्चों, धातु तथा अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, विच व्हाट इज द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स मेटल एंड नॉन मेटल। तो बच्चों जब हमने पढ़ा था तो उसके बारे में क्या पढ़ा था, सबसे पहले जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, या क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, फिर क्या पढ़ा था हमने, ये एम्फोटेरिक नेचर के या उभयधर्मी प्रकृति के हो सकते हैं। अब नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स के कैसे होते हैं, ये हमेशा ज़्यादातर एसिडिक या अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है बच्चों, अब और क्या कह सकते हैं, ये उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं, न्यूट्रल या उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं नौवां भाग। नौवां भाग क्या कहता है, एक बल में डैश और डैश दोनों होते हैं। ए फोर्स हैज बोथ डैश एंड डैश। तो क्या होता है, एक बल में धक्का और खिंचाव दोनों होते हैं, यानी पुश एंड पुल दोनों होते हैं। दसवां भाग देखते हैं बच्चों। दसवां भाग है क्या है, यदि वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति कम हो जाती है। If the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object decreases. तो ऐसा हमने एक क्वेश्चन अभी तीसरे नंबर पर पढ़ा था, उसमें क्या बोल रहा था वो, कि अगर वस्तु की गति की दिशा से उल्टी दिशा में बल लगाया जाए तो क्या होगा। तो हमने देखा था कि उस वस्तु की गति क्या होगी, धीरे होगी। तो ये क्या कह रहा है,
यदि वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति की दिशा में लगाया जाए, तो वस्तु की दिशा में लगाया जाएगा तो क्या होगी, वस्तु की जो गति होगी बढ़ेगी, यानी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है, गति कम होगी, तो ये हो गया गलत बच्चों, ठीक है। चलिए अब इसका 11वां भाग देखते हैं बच्चों। 11वां भाग क्या कह रहा है, रसाकशी में ए पक्ष, पक्ष ए 10 न्यूटन का बल लगाता है और पक्ष बी 8 न्यूटन का बल लगाता है, रस्सी किस तरफ घूमेगी। इन ए टग ऑफ वार साइड ए अप्लाइज 10 न्यूटन ऑफ फोर्स एंड साइड बी अप्लाइज 8 न्यूटन ऑफ फोर्स, विच साइड विल रूप मूव्स। तो बच्चों जहाँ ज़्यादा बल होगा वहाँ की साइड रूप मूव करेगी या रस्सी जाएगी। तो यहाँ पे 10 न्यूटन के बल ज़्यादा है तो 10 न्यूटन की साइड ज़्यादा है बल होने की वजह से रस्सी जाएगी, यानी ए साइड में जाएगी, ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन का आखिरी भाग क्या कहता है, क्या घर्षण बल वायु में गतिमान वस्तुओं पर भी कार्य करता है, डज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द एयर। तो ये बात है यस बच्चों, ये जो वस्तुएं वायु में गतिमान है उन वस्तुओं पे कार्य करता है, इसी वजह से चलती हुई वस्तुएं कई बार धीमी हो जाती हैं या फिर उन्हें और ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपका पहला क्वेश्चन, ये पूरे के पूरे 12 भाग यानी कि सेक्शन ए हो गया आपका कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।